कन्नौज का ये फकीरपुरा गांव है जो सोलर ऊर्जा के लिए जाना जाता है। पूरे गांव को सोलर एनर्जी से बिजली मिलती है और इस गांव से अखिलेश यादव ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है, ये कहकर के कि स्लाटर हाउस बंद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई रुचि नहीं दिखाई, देश में आज भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है। मुझे याद है एक नौजवान जो मुझे टकरा गया एक जगह में श्रावस्ती में गया, उसमें सरकार आपकी थी, वो नहीं पहचान पाया कौन है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ कि हम चुनाव क्यों हार गए। उसने कहा कि आपने गाय कटवा दी इसलिए चुनाव हार गए। याद कीजिए वो समय जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि जितने भी स्लॉटर हाउस चल रहे हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। आपको तो ये लगता था कि ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों के स्लॉटर हाउस हैं, ये तो शायद स्लॉटर हाउस हमारे हैं आपको लगता था। लेकिन सच्चाई ये है भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाले लोगों के स्लॉटर हाउस हैं। और एक भी स्लॉटर हाउस नहीं बंद हुआ। हमें आपको कहा गया मंचों से, मोबाइल से और चीजों से संपर्क करके कहा गया, नफरत फैला दी गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही परेशानी आ गई। पर इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में यह आरोप लगाया था कि जिसे समाजवादी पार्टी ही गायों की हत्या में इन्वॉल्व है। ईटीवी के लिए फकीरपुरा गांव से अखिलेश तिवारी।